अकेडमी वेबशाला। सो नाउ ऑन पेज नंबर 15 यू हैव द मैच द फॉलोइंग इज गिवन। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वर्ड्स दिए हैं एंड राइट हैंड साइड पे आपको उनके करेक्ट सेंटेंसेस दिए हैं, जिससे अगर हम उन्हें मैच करेंगे तो एक परफेक्ट सेंटेंस बन जाएगा जिसका कोई सेंस होगा। तो अब यहाँ लिखा है द लायन, तो इसके लिए हमने सर्च किया तो द लायन इज फिटिंग विद द लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, तो ये इससे मैच कर रहा है। ओके, नाउ अब एक सेंटेंस बन गया है द लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, कि लायन फॉरेस्ट में रहता है। देन द कैट, द कैट लाइक्स मिल्क, द कैट लाइक्स मिल्क, कैट को क्या पसंद है? मिल्क। तो दिस इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देन वी विल सी दीपक, दीपक के लिए हम देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। तो दीपक इज माय फ्रेंड, दीपक किसके साथ मैच कर रहा है? दीपक इज माय फ्रेंड, अब एक सेंटेंस बन गया है। देन वी लव हॉलीडेज, वी लव हॉलीडेज का मतलब होता है कि हमें हॉलीडेज पसंद है, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। अब यहाँ लिखा है माय मदर, अब माय मदर तो कोई सेंटेंस नहीं है, हम इसके लिए इसको भी कंप्लीट करने के लिए इसका दूसरा हाफ ढूंढेंगे। तो माय मदर कुक्स गुड फूड, मतलब मेरी मदर अच्छा खाना बनाती है। ओके, देन नेक्स्ट इज द डॉग, द डॉग भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है द डॉग से क्या है, तो फिर हम इसके लिए भी इसका अदर हाफ सर्च करेंगे। तो आया द डॉग इज बार्किंग, मतलब जो डॉग है वो बार्क कर रहा है। ओके, इस तरह से ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देन एप्पल्स, एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज, एप्पल्स कहाँ ग्रो करते हैं? ट्रीज पे। देन लास्ट इज बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स कहाँ फ्लाई करती है? स्काई में। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें एक पार्ट दिया था सेंटेंस का, उससे हमें उसको दूसरे पार्ट से मैच कर